गणित भी कैसा महान विषय है ना। ऋण और ऋण मिल जाए तो धन बन जाते, परंतु अंक गणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि दो बुरे संधि कर तो वो अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता का, उनकी संधि का विच्छेद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी भांति हो। यदि खूंटा धरती में फंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खोदना पड़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ यही है कि संधि करने से पूर्व विचार कर लिया जाए। यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। तुम्हें वासुदेव कृष्ण ने भेजा है ना? नहीं पात्र। यदि मैं मुक्त हो गया हूं तो अवश्य ही तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, और जो तुम्हें कृष्ण ने नहीं भेजा अर्थात मैं मुक्त नहीं हुआ। अपना परिचय दीजिए पात्र। मैं विश्वकर्मा हूं, देवताओं का प्रधान वास्तुकार। जरासंध ने मुझे भी यहां बंदी बनाकर रखा था। कल रात्रि श्री कृष्ण ने मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि वो मुझे स्वयं मुक्त कराने आएंगे, किंतु आश्चर्य आश्चर्य वो नहीं आए। वो आ चुके हैं। के सब मल थक गए, यहां कोई भी नहीं जो जरासंध से मल युद्ध कर सके। लो, अब ये ब्राह्मण मुझसे मल युद्ध करने आए हैं। हम तो पूजा स्थल के लिए निकले थे मगध नरेश, परंतु भूलवश हम यहां आ गए।
अच्छा हुआ तो भूलवश इस घेरे में नहीं चले आए, अन्यथा मुझसे मल्ल युद्ध करना होता। अब अपनी भूल सुधारो और यहां से चले जाओ। यह स्थल केवल और केवल योद्धाओं के लिए, निर्बल ब्राह्मणों के लिए नहीं। जी राजन, जैसी आपकी इच्छा। ये युद्ध कांक्षी है। लगता है आपने सुना नहीं ब्राह्मण देव, अब कृपया इस घेरे से बाहर चले जाइए, अन्यथा मुझे एक ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। कुछ क्षण पहले आपने सभी को चुनौती दी थी मगध नरेश, तो समझो वो चुनौती मैंने स्वीकार कर ली। अद्भुत आत्मविश्वास है आप में ब्राह्मण देव, किंतु आज आपके साथ साथ आपका यह आत्मविश्वास भी टूट जाएगा। वैसे मल्लयुद्ध के नियम तो जानते हो ना ब्राह्मण देव? हाँ, जब तक एक योद्धा पराजय स्वीकार ना कर ले, युद्ध होता रहेगा। विकार है मगध नरेश, विकार है। नहीं जनार्दन, ये चुनौती स्वीकार मत करना। क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? एक योद्धा को युद्ध से पूर्व अपने प्रतिद्वंदी का सत्य परिचय मिले, यही युद्ध नियम है। जिसने तुम्हें चुनौती दी वो वृकोदर भीम है। ये धनुधारी अर्जुन है। और भीम के पीछे जो खड़े हैं वो वासुदेव कृष्ण है। अब सत्य जानने के पश्चात तुम ये चुनौती अस्वीकार कर सकते हो। सत्य कहा अंगराज ने मगध नरेश, अब निर्णय आपका है। परिचय जानकर यदि भयभीत हो तो भीम द्वारा दी गई चुनौती अस्वीकार कर सकते हो।
मैं तुम्हारी भांति रणछोड़ नहीं हूं वासुदेव। युद्ध की चुनौती मैं किसी भी परिस्थिति में किसी भी वेश में कभी टाल नहीं सकता। मैं इस चुनौती का अंत करूंगा और सबसे पहले मैं इस विकोदर का उदर फाड़ूंगा और उसके पश्चात मैं तुम्हारा नाश करूंगा। बस यह युद्ध समाप्त होगा? जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत भी निश्चित होता है पार्थ। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र पूर्ण होगी। युद्ध करो, उठो। Ha 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 ha
मुझे चुनौती देने से पूर्व मेरे जन्म की कथा तो जान लेते। माता के गर्भ से दो पिंडों में जन्मा मैं, मृत, और मेरे शरीर को वन में फेंक दिया गया। वहां जरा नामक राक्षसनी ने उन पिंडों की संधि करके जोड़ा और मेरा नामकरण हुआ जरासंध। ये संधि नहीं टूट सकती भीम। Thank you.
ये अन्याय है, ये छल है।